दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिक्सन टेक स्टॉक के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट की। अगर मैं बात करता हूं यहां पर आज के दिन आधा परसेंट की गिरावट जो है वो स्टॉक ने बनाकर दिखाई। 2895 रुपये पर क्लोजिंग स्टॉक ने बनाकर दिखाई। वहीं 3 आवर चार्ट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक ने एक सपोर्ट लगाया है करीबन 2820 रुपये का। इस सपोर्ट का पूरा ध्यान रखना है क्योंकि अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके स्टॉक नीचे जाता है और निचले लेवल्स दिखा सकता है तो सपोर्ट्स का ध्यान रखें, स्टॉप लॉसेस लगाकर चल सकते हैं। यहाँ से तेज़ी बनती है, एक रिकवरी देखने को मिलती है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में जो टारगेट स्टॉक अचीव करेगा वो है 3000, यहाँ तक कि 3050 तक के लेवल्स भी अचीव हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी फ्रेश बाइंग को थोड़ा अवॉइड करें। एक रेजिस्टेंस लेवल है करीबन 3111 रुपये का। जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल को स्टॉक ब्रेक ना कर दे कोई भी फ्रेश बाइंग हमें नहीं करनी है तो अभी केवल वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनाकर चल सकते हैं। जैसे ही बाइंग का शानदार मौका बनता है हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है डिक्सन टेक में। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही डिक्सन टेक शामिल है कंटिन्यू होल्ड करके चल सकते हैं। तो यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है डिक्सन टेक में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।